घटना है जिसको वर्कआउट किया गया है और जिसमें 15,000 का इनाम दो लोगों पर घोषित है। अभी भी एक अरेस्ट होना बाकी है। पूरा कलंदर की है जिन्होंने यह घटना होने से पूर्व ही इनको अरेस्ट कर लिया है। न बोलो यार। पैसा है इनामी अपराधी उदयवान और चुन्नू पर विभिन्न जनपदों के अंजाम दिया था। बस एक इनामी अपराधी उदयवान आजमगढ़ से भी डकैती और जनपद आजमगढ़ में और जनपद अयोध्या में एक इनामी अपराधी 15,000 के इनामी अपराधी उदय भान जिसकी अरेस्टिंग आज की गई है जनपद की पुलिस अयोध्या की पुलिस के द्वारा जिसमें सर्वलांस की टीम प्रभारी अभिषेक और पूरा कलंदर के प्रभारी नितेश द्वारा अरेस्टिंग की गई है। इस इनामी अपराधी के साथ 3 लोग और अरेस्ट हुए हैं। ये लोग किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। यह गैंग अंतर जनपदीय गैंग है जो ट्रकों को लूटने का काम करता है। यहाँ पर भी एक घटना बरेली की ट्रक जो लूटी गई थी अतुल अग्रवाल की वो ट्रक पहले ही बरामद हो गई है और उसमें ये लोग वांटेड चल रहे थे 2 लोग उसमें से जिसमें से आज एक को अरेस्ट हुआ है। 15,000 के इनामी है उदयभान उसके साथ 3 लोग और अरेस्ट हुए हैं। आजमगढ़ से भी यह उदयभान वांछित चल रहा है गैंगस्टर में और डकैती में। इसके खिलाफ कई डकैती के और लूट के मुकदमे पंजीकृत है। यह एक ऐसा गैंग है जो चलती ट्रकों को लूटता है और खलासी और ड्राइवर को या तो मार देते हैं या फिर उसको नशीला पदार्थ सुंगा करके कहीं पटक देते हैं। उसके बाद ट्रक को लेकर के माल को बेच देते हैं और ट्रक को भी बेच देते हैं। इस घटना में गैंग को हम लोग पंजीकृत कराएंगे, गैंगस्टर लगाएंगे इनके विरुद्ध और इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हालांकि यह जनपद अयोध्या में एक घटना कारित करी थी जो एकमात्र घटना है लेकिन जौनपुर और आजमगढ़ में कई घटनाएं इनके द्वारा कारित की गई है। इसमें मास्टरमाइंड ये उदयभानी है और इसके साथ एक आकाश शर्मा है वो भी गंभीर अपराधी है। ये 2 मास्टरमाइंड है मेनली जो घटनाओं को कारित कराते हैं और इस घटना का जो हमारे यहाँ पूरा कलंदर मोहित थी इसका वर्कआउट पहले हो चुका है। इसमें ये नामी अपराधी तो आज अरेस्ट किया गया है।